हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में मैं आपके लिए हेल्थी और स्वादिष्ट रेसिपी लेके आती हूँ। आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन के स्वादिष्ट चावल के अप्पे। इसमें हमें सोडा हीनो नहीं डालेंगे, फिर भी ये कैसे पपे बनता है ये देखेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें मैंने बीच में टिप्स बताती जाती हूँ। इसे बनाने के लिए हम 3 कप चावल, 1 कप उड़द दाल, 1 कप मुरमुरा और 1 टीस्पून मेथी दाना लेंगे। अभी 3 कप चावल में 1 स्पून मेथी दाना और 1 कप उड़द दाल डाल के ये तीनों को भिगो के रखना चाहिए। ऐसे बड़े बाउल में 5-6 घंटा पानी में भिगो के रखिए। मिक्सी करने के आधा घंटे पहले मुरमुरे को पानी में भिगो के रखिए। बाद में भिगो के रखा हुआ मुरमुरा यानी चावल को दोनों को मिक्सर करके एक बड़े बर्तन में डालिए। बड़े बर्तन में डालने के बाद इसको हाथ से अच्छी तरह फेंटना चाहिए, हाथ से फेंटना चाहिए। हाथ से 5 मिनट फेंटने के बाद इसको ढककर 8 से 9 घंटा रखिए। 8 से 9 घंटा होने के बाद ये ऐसे फूल जाएगा। उसके बाद उसमें बनाने के टाइम पे स्वाद अनुसार नमक, 1 स्पून चीनी डाल के मिला लीजिए। अभी हम अप्पे बनाने का लोहे का साँचा लेंगे, उसको गैस पर रख के मीडियम आंच पर गरम करेंगे। गरम होने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल डाल के बैटर डालेंगे। ये नाश्ता को हम लोग संडे के दिन भी बना सकते हैं। अभी ये देखिए, अभी कैसे फप्पी बन गया ये। नॉनस्टिक का भी अप्पे का साँचा मिलता है, उसमें भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन बनाने के टाइम पे पहली बार बनाते हैं तो तेल लगाना पड़ेगा। बाद में बिना तेल का भी इसमें अप्पे बना सकते हैं।
अभी हम बनाएंगे चटनी। चटनी के लिए हम लोगों को चाहिए 1 कप नारियल, 1/2 कप पुटाना, 3-4 कली लहसुन, मिर्ची और कड़ी पत्ता। ये सभी को हम लोग एक मिक्सर में डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्सर करने के बाद फिर पानी डाल के उसको बारीक पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको तड़का देंगे। तड़का के लिए हम लोगों को चाहिए उड़द दाल, जीरा, राई, कड़ी पत्ता और मिर्ची। अभी तड़का देंगे। तड़के के बर्तन में तेल डालेंगे, उसमें उड़द दाल, जीरा, राई, कड़ी पत्ता और मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा हींग डाल देंगे। फिर गैस बंद करके थोड़ी देर रखेंगे। ठंड होने के बाद उसको चटनी में डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी ये चटनी तैयार हो गया। ये रेसिपी कैसे लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अप्पे को चटनी के बिना चाय के साथ में भी खा सकते हैं, वो अच्छा टेस्ट लगेगा। आप एक बार बना के देख लीजिए, फिर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।